तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं ऑफ रोड ट्रैक टेस्ट, जिसमें शामिल होगी तीन कार। दोस्तों सबसे पहली कार है साइबर ट्रक टेस्ला, दूसरी कार है टोयोटा हाइलक्स और तीसरी कार है लैंड रोवर डिफेंडर। तो दोस्तों हम देखेंगे तीनों कार में से कौन सी कार विनर होती है और कौन सी कार ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे साइबर ट्रक टेस्ला से। चलिए दोस्तों चलाते हैं। यहाँ पर पहला जंप ले लिया है, नीचे से डैमेज हो गई है और पलट गई है। नीचे गिर गई। ऊपर चढ़ा कर देखते हैं चढ़ती है या नहीं। यहाँ पर चढ़ गई हमारी कार। फिर से हम ट्रैक पर आ गए हैं। इसका हैंडलिंग कुछ खास नहीं है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी हो रही है कार। क्या लगता है दोस्तों, ये कार कंप्लीट कर पाएगी इस ट्रैक को? आप नीचे कमेंट करिए। हमने दूसरी बार पलट गई। आपको क्या लगता है कौन सी कार विनर हो गई इस ट्रैक में? जो भी कार आगे तक जाएगी वो कार विनर होगी। यहाँ पर जंप आ गया है। चलिए दोस्तों जंप लेते हैं। और यह फिर से पलट गई है और सीधी भी हो गई। तकरीबन तीन से चार बार पलट गई और सीधी भी हो जाती है। एक और जंप। इसका सस्पेंशन कुछ बहुत खास नहीं है, बहुत ही जंप ले रही है। और ये पलट गई। क्या लगता है सीधी हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता इस बार हो पाएगी। ट्राई करते हैं। और ये हो गई सीधी। बाय। अगर दूसरी कार होती तो सीधी नहीं हो पाती शायद। आप देख रहे हैं ना दोस्तों कितनी बार सीधी हो गई कार। राइट साइड मोड़ ही नहीं रही है। पानी में गई और यहाँ पर टेस्ला ट्रक का खेल पूरा हुआ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट कार पर। तो दोस्तों अपनी अगली कार है लैंड रोवर डिफेंडर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है आपको लगता है टेस्ला को बीट कर पाएगी? यहाँ पर इंडक्शन सिस्टम डैमेज हो गया, अगला बम्पर डैमेज हो गया और निकल भी गया है। यहाँ पर इंजन थोड़ा सा डैमेज हुआ है।
ओ भाई सीटी हो, और ये पलट गई दोस्तों, सीधी भी हो गई है। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और ये ढलान आ गई है, यहाँ पर प्रॉपर जंप लेंगे हम। पिछला टायर डैमेज हो गया है, अगला टायर निकल गया है, अब देख सकते हैं कार आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। तो दोस्तों डिफेंडर का खेल यहीं तक था, चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार पर। अपनी नेक्स्ट कार है टोयोटा हाइलक्स। तो दोस्तों हमने सोचा भी नहीं था डिफेंडर इतना खराब परफॉर्मेंस करेगी, देखते हैं हाइलक्स का क्या हाल होता है। क्या लगता है दोस्तों, हाइलक्स दोनों कार को बीट कर पाएगी? यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, धीरे धीरे चढ़ तो रही है, देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर टलन आ गई है और सामने आप डिफेंडर को देख सकते हैं। यहाँ पर हाइलक्स ने जंप ले लिया है और यहाँ पर डिफेंडर से आगे बढ़ गई है कार। क्या लगता है साइबर ट्रक से आगे बढ़ पाएगी दोस्तों? अब तक तो बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका। टोयोटा वालों की बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया होती है। और ये पिछली डिक्की का वुड निकल गया है। यहाँ तक बढ़िया बहुत परफॉर्मेंस किया है और ये साइबर ट्रक को क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर विनर होती है टोयोटा हाइलक्स, देखते हैं कहाँ तक चल पाती है, क्या ये पूरा ट्रैक कंप्लीट कर पाएगी, देखते हैं दोस्तों। आप वीडियो में बने रहिए, एक और जंप आने वाला है और ये पानी को भी क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर राइट साइड के दोनों टायर डिफ्लेट हो गए हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। देखते हैं डिफ्लेट टायर के साथ कितने देर तक टिक पाती है हमारी टोयोटा हाइलक्स। और ये एक और जंप आ गया है। बढ़िया तो दोस्तों हमारी टोयोटा हाइलक्स विनर तो हो गई है, देखते हैं कहाँ तक चल पाता है। हम देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है। अब तक जितने भी ऑफ रोड टेस्ट किए उसमें से इसने शानदार बहुत ही परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर शायद इसे दिक्कत आएगी क्योंकि टायर डिफ्लेट हो गए हैं।
टायर की वजह से चल नहीं पा रही है। दोस्तों आगे बढ़ गई हमारी कार, दोस्तों मैंने सोचा ही नहीं था आइलक्स इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। मुझे तो लगा डिफेंडर विनर होगी, लेकिन इसने डिफेंडर को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और एक और जंप आ गया है दोस्तों, जंप लेते हैं, देखते हैं क्या हाल होता है। आगे का बम्पर शिफ्ट डैमेज हुआ है, ओ भाई बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ पर इंजन ऑयल का एरर आ रहा है, देखते हैं कहाँ तक चल पाती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑफ रोड ट्रैक पूरा हुआ है। आपने देखा तीनों कार में से टोयोटा हाइलक्स ने ट्रैक को पूरा किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।